फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद आता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का चीला, जिसके लिए मैंने देखो सूजी को रात में ही इसमें दही डाल के इसको भिगो दिया था सूजी को। अभी देखो कितना अच्छा टेक्स्चर हो गया है इसका। तो इसके लिए मैंने ये जिसके अंदर डालेंगे ये मैंने ले लिया शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। बस, और इसकी इसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ इसके साथ नारियल की चटनी। तो उसके लिए मैंने नारियल ले लिया है, लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया और चने। तो चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो हमने सारी वेजिटेबल्स कट कर रखी है सब इसमें मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए इसमें डाल दूँगी मैं ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार, जितना आपको नमक चाहिए। फटाफट सब चीला बना लेते हैं, इसलिए मैंने छोटी वाली कटोरी का यूज़ किया है। थोड़ा सॉइल लगा देंगे साइड साइड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना कलरफुल लग रहा है मेरा चीला, सिक रहा है ये। इसको आपको स्लो फ्लेम रख के पकाना है, गैस की फ्लेम को स्लो रखना है फ्रेंड्स। अब इसको पलट देते हैं, ये देखिए। चटनी बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्सी जार में डाल दिया है। इसके अंदर नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी के भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर। ये देखिए फ्रेंड्स चटनी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने ये निकाल लिया है बाउल में, अब इसमें मैं तड़का लगाने जा रही हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लिए देखिए पैन गर्म हो रहा, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, इसमें तड़का लगा दूँगी मैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, तड़के के लिए मैंने लाल मिर्च ली है, कड़ी पत्ता लिया है और सरसों के दाने लिए हैं। बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं। ये फ्रेंड्स मेरा ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया है, ये देखिए। ये ब्रेकफास्ट बहुत टेस्ट लगता है गाइस, आप लोग भी ट्राई कीजिए घर में, सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत हेल्दी होता है। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को क्लोज कर रही हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।